कैटल फार्म का बढ़ता हुआ कारोबार। फेस रिफील कर लेते हैं आप। बेसिकली आई एम फ्रीलांसर एंड 4 साल पहले मैंने एक छोटा सा आइडिया सोचा, एक प्रॉपर नीज सोची, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक प्रॉपर एक सिंगल टॉपिक के ऊपर अंदर से डीप में जाके एक नीज सोचते हैं ना, बिल्कुल मैंने भी ऐसे सोचा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा काम कोई करता है ही नहीं। तो यहाँ पे सीन ये होने वाला है, मैं अपना एक साइड बिजनेस है, साइड हसल है, वो दिखाने वाला हूँ एज अ प्रमोशनल चीज़, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर प्रमोटिंग थिंग्स बेनिफिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 साल पहले तकरीबन स्टार्ट किया ये वाला बिज़नेस कैटल फार्म का, यानी कि बच्चा फार्म का, जो भी समझ लें आप इस चीज़ को। तो इसका छोटा सा एक विज़िट करवाता हूँ आपको कि मैंने ये कैसे स्टार्ट किया और इसको हम क्या क्या चीज़ें इन जानवरों को खिलाते हैं जब ये बीमार होते हैं, इनको क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, इनको कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। बेसिकली आई एम फ्रीलांसर, मेरा नाम है डेवलपर हसीब और मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ और डेटा एनालिस्ट हूँ एंड SEO का काम भी आता है। तो बेसिकली ये साइड बिज़नेस की बात करनी है, अपनी फ्रीलांस स्किल की बात नहीं करनी। तो सीन यहाँ पे ये है, ये अभी मेरे पास 18 जानवर हैं और एक तो इकट्ठा है यानी कि 19 है। एक महीना पहले 7 से 8 जानवर हमने फैक्ट्री भेज दिए थे, हम फैक्ट्री भी बेचा करते हैं और ईद के ऊपर भी, ईद के मौके पर भी सेल किए जाते हैं यहाँ पे जानवर। इन जानवरों की खूबसूरती देखते हैं। चलिए, जितना ज़्यादा जानवर खूबसूरत होगा, मोटा ताज़ा होगा, यानी कि गुलाई में होगा, जैसे ये जानवर देखो गोल है, सबसे ज़्यादा मांग इसकी होती है और सबसे ज़्यादा जो है बिज़नेस भी इसका होता है और पसंद भी यही होती है और इसका वज़न भी निकलता है सबसे ज़्यादा। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप खुद नहीं करना चाहते, बस आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये हमने रखा हुआ है काम करने के लिए, मतलब हमारे पास 2 से 3 है जो हम काम करते हैं यहाँ पे। अगर आप नहीं करना चाहते खुद काम, आप इन गंदगी में, गंदगी समझते हैं आप लोग इसमें, अगर आप हाथ नहीं डालना चाहते तो आप अपने मैनेजर्स रख सकते हैं, यानी कि मुंशी रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनको हम खिलाते क्या हैं। बेसिकली ये मकई का बना हुआ एक सैलेज है, जिसको सैलेज बोलते हैं, इसके अंदर दाने भी हैं, आपको छोटे छोटे सैलेज नज़र आ रहे होंगे। मकई को पहले तो एक चारा बनाया जाता है, उसके बाद दबा दिया जाता है ज़मीन में संभाल के, उसके बाद इनकी छोटी छोटी पैक्स बनाए जाते हैं। पैक्स भी बना सकते हैं, अगर आपका ये सारा काम अपना है तो पैक्स ना बनाएं, अगर आपने सेल करना है तो वो भी मैं विज़िट करवाऊंगा पैक्स कैसे बनते हैं। तो इनको ये खिलाया जाता है, अब ये बड़े मज़े से खा रहे हैं। तो ये देखें, इनसे जानवर जो है बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है, और बड़े शौक से ये जानवर खा रहे हैं, कोई पीछे नहीं खड़ा हुआ। उधर जो जानवर खड़े हुए हैं वो सबसे मतलब भारी जानवर है, अच्छे जानवर हैं, ये ज़रा बच्चे हैं अभी। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप ये देख रहे हैं, ये बांस पड़े हुए हैं, इसके बाद ये लोहा लगा हुआ है, ये दरवाज़ा लगा हुआ है। आप सोच रहे हो पता नहीं ये किस काम के लिए है, एक छोटा सा वो जिसको पंजाबी किला कहते हैं, किले से बांध ले, ये वाला किला है, यहाँ पे जानवर बांधा करते हैं, ये कुंडा है, इसके साथ बांधा करते हैं। तो ये खुले के फिर रहे हैं, जब जानवर खुला फिरता है ना तो उसका ज़्यादा ही मज़ा होता है, यानी कि वो चलता है, फिरता है, मतलब वो अपनी सैर करता रहता है। और यहाँ पे ये पानी के लिए है जगह, जिसको वद्दी कहते हैं पंजाबी में। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है जानवर की नशोनुमा, यानी कि ग्रोथ, यानी कि बढ़ने के लिए। अगर हम इनकी तरह जानवर को बांध दें तो क्या होता है, जो बड़े जानवर होते हैं ना वो यहाँ पे जब खुले घूम रहे होते हैं तो एक दूसरे को मारते हैं। अभी 2 घंटे पहले सुबह के टाइम ये आप देख रहे हैं, ये एक मैंने बैरिकेड लगाया हुआ है, यानी कि बांस रखा हुआ है, इससे आगे ना जा सके। तो सुबह बेचारे एक जानवर को, मैं आपको दिखाता हूँ किस जानवर को, इस जानवर ने मारा है, इस जानवर ने, तो उसको सुबह निकाल के हमने वहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे ये जो कोने में खड़ा हुआ है ना, ये वाला जानवर कोने में, इसको मारा था उसने, इसलिए बेचारे को हमने साइड पे कर दिया। तो इसकी वजह से हम ये आपको एक एडवाइस करें, नसीहत करेंगे कि जो बड़े जानवर हैं उनको साइड पे कर दें और जो छोटे जानवर हैं बराबर के उनको एक साइड पे कर दें, जिससे क्या होता है कि कोई लड़ता नहीं, अगर लड़ता भी है तो उनको इतनी चोट नहीं आती। तो ये आप देख रहे हो कि ये लोहा है, ये कभी टूटेगा नहीं। आपको वीडियो देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये काम क्या कर रहे हैं, तो मुझे समझाने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्डिंग है, 4 साल पहले 4 लाख में लगी थी, इतनी सी बिल्डिंग 4 लाख में लगी थी।
तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी मज़ीद जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी। ये सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा किस काम का है? यहाँ से जब जानवर ले के आते हैं और ले के जाते हैं ना, तो जानवर को यहाँ से उतारा जाता है, इस गली से होते हुए इस दरवाजे से एंटर किया जाता है। एंड वहाँ पर भी एक दरवाज़ा बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक दरवाज़ा बना है, उसको अंदर लाया जाता है। तो बड़े जानवर उधर, छोटे जानवर इधर, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी बातें भी होती ही रहेंगी।